hours later. तो कुछ ऐसा ही हाल होता है जब हम अच्छे से तैयार होकर के घर से निकलते हैं, मगर पहुंचते पहुंचते हमारे अंडर आर्म्स के नीचे जो पसीना या फिर जो बदबू आती है उससे हमारा पूरा इंप्रेशन सामने वाले बंदे पे ख़राब हो जाता है। बट डोंट वरी गाइज, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको स्वेटी आर्मपिट्स और स्मेली आर्मपिट्स दोनों से ही बहुत आराम से छुटकारा मिल जाएगा। हे गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकित, आई मेक मेंस फैशन लाइफस्टाइल एंड ग्रूमिंग वीडियोस। सो बिफोर वी बिगिन, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करके बताइए मुझे कि वीडियो आपको कैसा लगा, एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को मैं डिवाइड कर रहा हूँ दो पार्ट्स में। सबसे पहले चेक करते हैं कि हम कैसे स्वेटी आर्मपिट्स को रोक सकते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि आप आर्मपिट्स में से जो स्मेल आती है उसको कैसे रोक सकते हैं। सो फर्स्ट लेट्स सी आप कैसे स्वेटी आर्मपिट्स को रोक सकते हैं। सबसे पहली टिप है कि स्टार्ट यूजिंग एंटीपर्सपिरेंट। एंटीपर्सपिरेंट क्या होते हैं? आपके अंडर आर्म्स के नीचे आपके जितने भी पोर्स होते हैं जिसमें से पसीना सबसे ज़्यादा आता है, उन पोर्स को वो ब्लॉक कर देता है, जिससे कि आपको पसीना कम आता है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वो डिओड्रेंट और एंटीपर्सपिरेंट को एक ही समझते हैं, बट दोनों बहुत अलग हैं। डिओड्रेंट सिर्फ आपको एक खुशबू देता है, बट एंटीपर्सपिरेंट आपके पोर्स को ब्लॉक करता है। मार्केट में एंटीपर्सपिरेंट आराम से मिल जाता है। बॉयज़ के लिए निविया के एंटीपर्सपिरेंट मार्केट में आराम से अवेलेबल है, ये 150 रुपये के अंदर आपको आराम से मिल जाएंगे। आप एंटीपर्सपिरेंट अपने अंडर आर्म्स के नीचे रात को सोते टाइम या फिर जब आप सुबह नहा चुके होते हैं तब आप लगा सकते हैं, इससे आपको काफी हद तक स्वेटी आर्मपिट से आराम मिलेगा। नेक्स्ट इज वेयर ब्रीदेबल फैब्रिक क्लोथ्स। आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, जैसे कि गर्मियों के मौसम में आपको पहनने चाहिए लिनन कॉटन से बने हुए कपड़े। आपको सिल्क या फिर जो मोटे फैब्रिक्स होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि आपको पसीना ज़्यादा आता है। लिनन फैब्रिक और कॉटन फैब्रिक के कपड़े बहुत पतले होते हैं, इससे आपके शरीर को हवा आराम से मिलती रहेगी और आपको पसीना आने के कम चांसेस होंगे। नेक्स्ट इज अवॉइड ड्रिंकिंग कॉफी। जब आप कॉफी पीते हैं तो कैफीन आपके पूरे शरीर में बहुत तेज़ी से फैलता है और आपके शरीर में एक हीट जनरेट करता है, जिससे कि आपको पसीना आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप कॉफ़ी पीजिए बट लिमिटेड अमाउंट में, जैसे कि अगर आप दिन में 3 या 4 कप कॉफ़ी पीते हैं तो आप उसको रिड्यूस करिए सिर्फ 1 या 2 कप में। अब देखते हैं कि आप स्मेली अंडर आर्म से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो करनी है कि आपको एवरी डे नहाना है। बहुत लोग नहाने में भी आलस करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट गर्मियों में आपको एवरी डे नहाना चाहिए। अगर हो सके तो गर्मियों के टाइम पे आप 2 टाइम नहाइए। जब सुबह आप काम के लिए घर से निकलते हैं उससे पहले तो आपको नहाना है ही, शाम को आप सोने से पहले भी नहा सकते हैं। अंडर आर्म्स को आप अच्छे से साफ करिए, बहुत लोग अंडर आर्म्स में साबुन तक नहीं लगाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। अंडर आर्म्स जब आपके क्लीन होंगे तो आपको स्मेली अंडर आर्म्स से भी काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा। नेक्स्ट वन इज़ यू नीड टू चेंज योर क्लोथ्स एवरी सिंगल डे। गर्मियों में अगर आप एक दिन कोई कपड़ा पहनते हैं तो नेक्स्ट डे आपको वो कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जब आप गर्मियों में बाहर निकलते हैं तो दिन भर का पसीना और जो धूल मिट्टी होती है वो ऑलरेडी आपके उस कपड़ों में है। अगर आप सेम डे भी वही कपड़े पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पास से बदबू आएगी। सो स्टॉप वेयरिंग सेम क्लोथ्स अगेन, आपको एवरी डे अपने कपड़े चेंज करने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ यूज़ अ डिओड्रेंट। स्वेटी अंडर आर्म्स में मैंने आपको बताया था कि आपको एंटी परस्पिरेंट इस्तेमाल करना चाहिए, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको डिओड्रेंट इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज डिओड्रेंट आपको खुशबू देता है। आपको एवरीडे डिओड्रेंट इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप नहा लें अपने अंडर आर्म्स को अच्छे से टॉवल से पोंछ लें, उसके बाद आप डिओड्रेंट लगाइए, एंड देन यू वेयर योर क्लोथ्स। नेक्स्ट इज अवॉइड स्मेली फूड्स। स्मेली फूड से मेरा मतलब है जैसे कि अनियन गार्लिक, ये ऐसे फूड आपको गर्मियों में अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि जब आप इनको खाते हैं तो आपके पसीने में भी उनकी स्मेल आ जाती है। जितना हो सके आप गार्लिक और अनियन इस तरीके के फूड अवॉइड करिए इस गर्मी में, एंड आपको काफ़ी हद तक स्मेली अंडर आर्म्स से छुटकारा मिलेगा। द लास्ट स्टेप इज स्टे हाइड्रेटेड। पानी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जितना पिएंगे आपके शरीर में से जितने भी टॉक्सिन्स होंगे वो सारे के सारे निकल जाएंगे पसीने के रूप में। सो कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना ही है और आपको 2 से 3 हफ्ते में स्मेली अंडर आर्म्स से काफ़ी हद तक छुटकारा मिलेगा। गाइस, ये थे मेरे फ्यू टिप्स जिनको स्वेटी अंडर आर्म्स और स्मेली अंडर आर्म्स की प्रॉब्लम है, तो आप इन टिप्स को अप्लाई करिए अपनी लाइफ में, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए मुझे कि वीडियो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।